सो हेलो हाय एवरीवन, ये वीडियो जो है रिलेटेड टू है मेरा स्मॉल सा भी बहुत ज़्यादा स्मॉल बिजनेस, उसके लिए जो हैंडमेड बिजनेस है। तो ये आजकल सर्दियाँ आने वाली हैं तो मैंने उसके लिए भी पहले से मैंने ये प्रिपेयर कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी ये कैप्स। तो अभी मैंने आपको बताती हूँ कि मैं इनको सेल कैसे करती हूँ, जितना भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो सेल करने के लिए भी अभी बना तो दिया है मैंने, बहुत सारे पीसेस यहाँ पे बना के तैयार कर दिए हैं। उसके बाद इनमें लगाना होता है टैग। तो ये ना मेरी नॉर्मल कैप्स हैं, देखिए ये, और यहाँ पे मैंने लगाया है बो। इसका जो ट्यूटोरियल वीडियो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस तरह से देखिए तो ये बड़ा प्यारा सा, और ना ये जो है किसी को भी फिट हो जाता है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा कलर है, बहुत प्यारा कलर है। तो इस तरह से साइड में, या मैं साइड में लगाना पसंद करती हूँ, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे जो है कैप्स हैं, और सब में मैंने इसी तरह से बो लगाया है। ये जस्ट एग्जैक्ट फिट है एक्चुअली। तो ये ना बच्चे से लेके बड़े तक सबको फिट आ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। जो डिज़ाइन में यहाँ पे यूज़ करती हूँ, सॉरी, जो डिज़ाइन में यहाँ पे यूज़ करती हूँ, प्रेफर करती हूँ। तो ये मेरे सारे बन के तैयार हो गए, इस तरह की कैप्स, ये जो मेरी कैप्स यहाँ पर बन के तैयार हो गए। तो अभी मैं इनमें टैग लगाऊंगी। टैग लगाने के लिए ये जो है ये प्रिंटेड है, तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ अपने की चेन्स के लिए। और यहाँ पे मेरे ये भी बनके तैयार हो गए, ये हैं मेरे हेडबैंड्स। तो ये देखिए, ये हेडबैंड्स जो भी मैंने अलग अलग कलर्स में बनाए हैं। तो ये है देखिए हेडबैंड्स मेरे। तो इन सब में भी मैं टैग लगा दूंगी, प्राइस टैग, क्योंकि प्राइस टैग लगाना या जो भी आप लिखना चाहते हैं तो मैं वो लगा देती हूँ। मैं इनको सेल करती हूँ, आर्मी के अंदर एक शॉप होती है हैंडमेड वाली, उसके अंदर मैं ये सब सेल कर देती हूँ। बाकी जिसको और परचेस करना है तो मैं उनको भी सेल कर देती हूँ, इंस्टा के थ्रू भी सेल कर देती हूँ। ये वाली जो कैप्स हैं ये वेलवेट कैप्स हैं, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और ये ना फिट आ जाती हैं, देखिए इस तरह से। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और गर्म भी रखती हैं। मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, पिछले साल भी मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो ये भी मेरी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बनके तैयार हो गई है, और एक मेरी स्टिच करने के लिए बची हुई है। तो ये कैप्स हैं, इनमें मुझे टैग लगाना है, इनमें मुझे टैग लगाना है। और ये है मेरी किचन जो 50 से 60 के तकरीबन बनके तैयार हो गई है। तो इनमें आधा में ना मैंने इस तरह से ये इनको पैकेजिंग कर दी है, मैंने आपको उल्टा दिखाई दिया होगा क्योंकि अभी फ्रंट कैमरा ऑन है इसकी वजह से। तो मैं इसको कैसे पैक करती हूँ, तो इसको पैक करने के लिए ना मैं यूज़ करती हूँ इस तरह की पैकेजिंग, जो मैंने ऑनलाइन भी मंगाई थी बट वो मुझे सही नहीं बैठी। तो फिर मैंने अभी जस्ट रिसेंटली मार्केट से इस तरह से परचेस की। ये पैकेज होता है, वन पीस पर पैकेट मिलता है, मतलब ये जो एक है, एक लिफाफा मुझे 1 रुपये का कॉस्ट पड़ता है, तो महंगाई पड़ जाता है। लेकिन ठीक है, पैकिंग करके ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और अच्छा आपका सामान जो है सेफ रहता है। ये मेरी एयरिंग्स हैं जो कि मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, इसको मैंने अभी बनाए नहीं है। अभी मेरे 2 पेयर्स ही हैं जो पुराने वाले हैं, वही पेयर्स हैं। तो मैंने अभी सेलिंग के इसकी प्रोसेस नहीं स्टार्ट करी है, बट मैंने ना इसका जो है ये देखिए तैयारी शुरू हो गई है इसको बनाने की। तो मैंने बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पर बना के तैयार करके रख लिए हैं, और मैं इसके लिए मोती भी ले आई थी, ये वाले मोती और ये वाले मोती। अभी मैंने सोचा है कि मैं की चेन्स, जो मैंने की चेन्स बनाई हैं, मैं इनका ट्यूटोरियल बनाऊं, जितनी भी मैंने की चेन्स बनाई है चैलेंज लेके जो भी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है घर में, और भी बहुत सारे काम होते हैं तो उनकी वजह से। तो ये देखिए, ये इनको पैक करना बहुत आसान है। इनके मेरी पैकिंग है, ये मेरे प्रिंट हैं, इन प्रिंट्स को मैं कट करती हूँ, और कट करने के बाद इस तरह से देखिए इसके अंदर फिट कर देती हूँ। और जो भी मेरी कीचेन्स होती हैं, इस तरह की जो भी कीचेन्स हैं, उनको इसके अंदर फिट करके, ये जिप लॉक एक्चुअली यहाँ पे जो होता है ग्लू लगा होता है इसके यहाँ पे ऊपर, तो इनको आराम से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखे काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत सारी मैंने यहाँ पे पैक भी करके रखी हुई हैं। तो हम इनको सेलिंग की प्रोसेस में आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बनाती कैसे हूँ। इनके लिए जो है मैं यूज़ करती हूँ ऐसे ब्लैंक पेपर, और ब्लैंक पेपर को ना मैं कुछ इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ।
जब मैं पहले बनाती थी तो मैं काफ़ी आराम से बनाती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बनाती हूँ क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं सेल करने के लिए। तो देखिए इतने सारे ये जो मेरे फोल्ड हैं ये हो गए। अब इसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी दो पैकिंग के अंदर, और इसको कट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ सीजर। तो ये देखिए आपको जैसे भी करना है, तो मुझे इस तरह से ये मैं नॉर्मली इसकी पैकिंग इस तरह से कर लेती हूँ। तो देखिए ये मेरे जो है, जैसे ये देखिए इस तरह से मैं सारे बनाऊंगी, और इसके अंदर या बाहर मुझे जो भी लिखना है मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। तो मैं दो बनाती हूँ अधिकतर, और इसके अंदर लिखती हूँ। ये मेरा पंच है जो मेरे असाइनमेंट के लिए यूज़ होता था और अभी मेरे इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो मैं इसके अंदर इसको डालती हूँ इस तरह से, और यहाँ पे एक एक होल होके तैयार हो जाता है। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ थ्रेड। थ्रेड मेरे पास बचा हुआ है जो पुराना, जो मेरा नहीं यूज़ हो रहा है क्योंकि आजकल तो मेरा सारा ही यूज़ हो रहा है। तो देखिए जैसे ये थ्रेड लिया, और ये थोड़ा लंबा हो गया तो मैं इसके दो पीसेस कर दूँगी क्योंकि इतने लंबे थ्रेड की ज़रूरत नहीं होती है। ये लिया, इसको लिया, इसको मैंने लिखा नहीं है, इसके अंदर मैं लिखूँगी जो भी मुझे लिखना है इसका प्राइस। और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे एक नोट लगा दी है, ये देखिए। अब मैं ना इसको जो भी मेरे को कैप के अंदर करना है, जैसे ये इसके अंदर लगाना है, तो मैं कुछ इस तरह से लगाती हूँ। और यहाँ पे आप गांठ भी लगा सकते हैं, जैसे भी मुझे अटैच करना है मैं उस तरह से यहाँ पे इसको अटैच कर देती हूँ। वैसे इसी तरीके से ना मैं अभी सारे यहाँ पे अटैच करके जो भी मेरी पैकिंग है जल्दी 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 मैं इसको सब पैक कर देती हूँ, और यहाँ पे प्राइस भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्टिकर्स प्रिंट करवाए थे, ये इतने अच्छे प्रिंट हुए नहीं बट मेरे पास बहुत सारे थे, और किचन से मेरे पास मोर देन 60 यहाँ पे हैं जो अभी सेल करने के लिए दे रही हूँ। तो पैकिंग में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम पूरा दिन मेरा पैकिंग में लग जाता है कभी कभी, क्योंकि घर के एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। नीचे देखिए आपको स्लीपर भी दिख रहा होगा क्योंकि मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त रहता है जब आप कुछ काम करते हैं, तो इधर 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 आसपास का ना जो भी आपने काम करते रहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब भी हो जाता है, मैस हो जाता है जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद घर के भी काम करने होते हैं और भी चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे बेटे को भी पैक करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने उसको भी दे दिया। जो यहाँ पे मेरे सारे पैक हो गए हैं, ये दिन तक मेरे सारे पैक हो गए थे। तो उसके बाद ना मैंने यहाँ पे इसका वीडियो बनाया था, इसलिए वीडियो बनाने के लिए भी मैं इनको थोड़ा सा खोल देती हूँ। और मेरे कुछ टैग लगाना मैं भूल गई थी, तो वीडियो के थ्रू मुझे पता भी चल जाता है कि किसमें टैग लगा नहीं टैग लगा। इस तरह से मैं नॉर्मली यहाँ पर टैग लगा देती हूँ। अभी मैंने कुछ इस तरह से बनाया नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि इतना मैं नहीं वो करती, या करती भी हूँ सेल शायद, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक मुझे इस तरह का कि मैं अपना कोई स्टैम्प या कुछ बनाऊँ। पर मैं सोच रही हूँ कि हाँ चलो बना देती हूँ, बट जब मुझे ज़रूरत लगेगी कि हाँ मुझे बनाना है तो मैं ज़रूर बना लूँगी। अभी मैं इनसे ही काम चला लेती हूँ रेट लिख के, और इस अंदर मैंने इंस्टा का आईडी लिखा हुआ है अपना, ताकि जो भी सेल करे तो उसको अगर कुछ रिलेटेड टू इसे इन्फॉर्मेशन चाहिए या उनको कुछ कस्टमाइज़ कराना होगा तो करा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी मैं सेल करती हूँ ना तो वहाँ पर भी मुझे वहाँ से भी ऑर्डर आ जाते हैं कुछ कस्टमाइजेशन के लिए, तो मैं कर देती हूँ। बट कस्टमाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें आपको सामान भी खरीद के लाना होता है और थोड़ा सा अलग बनाना होता है। और फर्स्ट टाइम ना कोई भी अगर कितना भी ट्रेंड इंसान क्यों नहीं है, अगर वो भी कोई चीज़ पहली बार बनाता है तो गलत ही गलत बनती है, कभी कभी सही भी बन जाती है, तो क्योंकि उसको 2 से 3 बार बहुत बार बनाना होता है तब जाके उसकी एक अच्छी शेप बन के तैयार होके आती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने पहली बार कोई चीज़ बनाई और उसकी बिल्कुल अच्छी शेप आ गई, तो ये नहीं हो पाता है। जैसे खाने में भी ऐसे ही होता है, जो हम वीडियोज़ देखते हैं वो हम जब बनाने बैठते हैं तो वो चीज़ नहीं बन के आती है जो उसमें दिखाई जाती है, वो इसलिए क्योंकि उनका हाथ या काम करने का तरीका, उसी में काम कर रहे होते तो हाथ साफ़ हो जाता है, और जो पहली बार बनाते हैं तो उनका इतना परफेक्ट तरीके से नहीं बनता है। तो हर चीज़ में यही रूल फॉलो होता है कि जब आप जैसे रिंग चैन भी है, तो ये जितनी भी मैं बनाती हूँ तो पहले मेरे नहीं बनते कभी कभी, लेकिन दूसरी तीसरी बार अच्छी शेप आ जाती है, और कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने के बाद भी आ जाती है। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि अलग अलग तरह की मेरे शेप मैंने बनाई हुई है, एक तरह की नहीं बनाई, इसमें बहुत अलग अलग तरह की शेप्स आपको मिल जाएंगी मेरे की रिंग्स में। हार्ट शेप, फ्रॉक शेप, हार्ट एंड एविलाइज भी मैंने बनाया था, मून बनाया था, और फ्रॉक्स बनाई थी जो मुझे बहुत प्रिटी लगी, वो भी बनाए थे मैंने छोटे छोटे अलग अलग कलर्स में, और फ्लावर्स बनाए थे, और ये देखिए ये भी बनाया है मैंने।
जो खरबूजा है तरबूजा जो भी होता है, बट काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था ये फ्रॉक में। मैंने स्टोन लगाए थे, एक में मैंने छोटा सा बो लगाया था, बट मेरे को ना मोती वाले जो मैं गोल्डन कलर के लिए लाई थी, ये मैं इयररिंग्स के लिए लाई थी, बट मैंने इसमें लगाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और जो मेरा छोटा सा बो था वो नहीं बन के मेरा तैयार हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें मोती लगाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी प्यारा लुक आ रहा था। और की चेन मैंने आपको पहले वीडियो दिखा दिया था, ये मैंने देखिए यहाँ पे कद्दू भी बनाए, छोटे छोटे पम्पकिन, इनका ना ये भी बड़े प्यारे लगते हैं। और जिस रेट पे मैं इनको सेल कर रही हूँ तो इनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है एज अ हैंडमेड, बट ये मेरा नया है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कम प्राइस रखती हूँ ताकि सब सेल हो जाए। और मुझे शौक़ है बनाने का तो मेरा अब बिक जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं इतनी सारी चीज़ें बना पा रही हूँ अपना घर का काम करते हुए, बच्चे को पढ़ाते हुए। तो बाकी मेरा सामान देखिए इस तरह से इस कॉर्नर में सेल हो जाता है। ये एक आर्मी की हैंडमेड शॉप होती है जिसमें हैंडमेड सामान रखा जाता है। ये जो सर्कल है यहाँ पे मेरा सामान रखा